नमस्कार सुपरफास्ट को स्वागत करुँ विकास आरंभ करवा खबर अभियान 192 देश को नहीं आरंभ हो दुबई एक्सपो 2020 आज उद्घाटित तो हो भारत पैविलियन अवसर में वार्ता रखिंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते एक्सपो में भारत सब बड़ पैविलियन सहित अंशग्रहण करुच्ची निश्चित जे यूएई और दुबई सहित आम गभर और ऐतिहासिक संपर्क को यह आहरी मजबूत कर and South Asia region. India is participating with one of the largest pavilions in this expo. I'm sure the expo will go a long way in further building our deep and historical relations with UAE and with Dubai. Let me begin by conveying greetings on behalf of government and people of India to His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of UAE and ruler of Abu Dhabi. I would also like to convey hearty congratulations to His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prime Minister and Vice President of UAE and the ruler of Dubai. Let me also express my best wishes to my brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi. He has been instrumental in the progress we have achieved in our strategic partnership. I look forward to continuing our work for the progress and prosperity of both our countries. टोक्यो ओलंपिक परे यह महामारी जगतर प्रथम विश्वस्तरीय मेला जहां बिना दर्शक आयोजित होती नृत्य गीत आतशबाजी और विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम सह उद्घाटित होता दुबई एक्सपो जो विश्व सहयोग शक्ति विषय में बार्ता दी जाए एक मरुभूमि यही एक्सपो आयोजित होती जार आकार एक फुटबल पड़िया समान विश्व पर्यटन विकास तथा यार प्रचार प्रसार पर आयोजित होती रंगारंग कार्यक्रम सह अनेक इवेंट एथे भारत सामिल होती सबु सहर एवं आवर्जना मुक्त स्वच्छ भारत और अमृत मिशन 2.0 शुभारंभ समय कथा कहते प्रधानमंत्री यह अवसर में सफेई कर्मचारी को स्वच्छ भारत मिशन रो महानायक कहते मोदी मिशन सह जोड़ी होती मान मर्यादा और महत्वाकांक्षा और मातृभूमि प्रेम से कठिन बर्ज्यवस्तु 3R फर्मुला कर रिड्यूस रिसाइकल और रीयूज को एथिरे गुरुत्व दि जाए 10 कोटी शौचालय लक्ष्य पूरण होती स्वरेज और सेफ्टी मैनेजमेंट उपर गुरुत्व देउछंती केन्द्र सरकार एपरिक रेकर्ड बजेट मध्य देउथबा प्रधानमंत्री निज अभिभाषण में कहते टीका प्रसंगे यूनाइटेड किंगडम सहित जेसा को तेसा नीति ग्रहण कर भारत भारतीय नागरिक यूके यात्रा कले टीका नहीं जपरी सेठे 10 दिन क्वारंटीन रहीबार व्यवस्था नियम कर भारत यूके नागरिकों से ही सामान नियम आपणई आसंता सोमवार दिन ठार् जो यूके नागरिक भारत को आसवे से 10 दिन क्वारंटीन रहा पड़ो नियम कर भारत में दि जाऊ टीका स्वीकृति नदे यूके नियम कर जो भारतीय माने यूके आसवे सेठे बाध्यतामूलक भाव में 10 दिन क्वारंटीन रखा यापर भारत में प्रतवाद स्वर उठी जो कोविशिल्ड टीका नहीं लोकों पर नियम सामान्य कोहल कर यूके मात्र 10 दिन क्वारंटीन नियम में कौन पर आनी ना जमापड़ यूके नियम को विभेदमूलक भारत तरफ अभियोग कर तेज जेसा को तेसा न्याय रे भारत ग्रहण कर सामान नीति अक्टोबर 4 तारीख रु यूके जो मैंने भारत आसवे सेकोसी टीका नहीं एठार बाध्यतामूलक 10 दिन क्वारंटीन रहा पड़ो केवल से नुहे भारत में पहुंचा पूर्व आरटीपीसीआर परीक्षा रिपोर्ट देखा बाध्यतामूलक करोना विरोध में कोविशिल्ड टीका नहीं ऑस्ट्रेलिया यात्रा करने को चाहूबा व्यक्ति एक खुशी खबर सेरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित टीका कोविशिल्ड को ऑस्ट्रेलिया स्वीकृति देती ऑस्ट्रेलिया शुक्रवार दिन कोविशिल्ड को अंतर्जातीय यात्री एक स्वीकृति प्राप्त टीका भाव में घोषणा करती ऑस्ट्रेलिया सरकार तरफ प्रकाशित एक बृत्ति में कहुई सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित टीका कोविशिल्ड सप्लीमेंट जो नहीं ऑस्ट्रेलिया यात्रा करें
ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚରଣଜିତ ଚନ୍ନି। ସିଏମ୍ ଚନ୍ନି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରେ ସିଏମ୍ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏହା ଚରଣଜିତ ସିଂ ଚନ୍ନିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ। ସେପଟେ ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ କଳହ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଚନ୍ନିଙ୍କ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ଆଜ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବିଦା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ନେ କେ ବାଦ ପହିଲି ବାର ଇଏ କର୍ସି କଲ୍ ଥି जो एक औपचारिकता भी है कि मुख्यमंत्री का अहदा संभालने के बाद प्रधानमंत्री जी से मिले, तो उनसे मिलकर लंबी बातचीत हुई है और अच्छे माहौल में हुई है। तो मैंने उनको अभी, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग थी, कोई एजेंडा नहीं था, एक मिलने का ही एजेंडा था, एक कर्सी कॉल थी, लेकिन फिर भी मैंने तीन बातें उनको उनके समक्ष रखी हैं, जिसमें एक तो करंट इशू है कि पंजाब में प्रोक्योरमेंट का सीजन शुरू हो रहा है, उसमें पहले जो प्रोक्योरमेंट है वो फर्स्ट से शुरू होती है, 1 अक्टूबर से, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसको 10 अक्टूबर से कर दिया है। आज तक कभी भी पोस्टपोन नहीं हुई है, प्रीपोन तो हुई है पिछले 50-70 सालों में। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसको अभी शुरू करवाएं, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं बात करके इसका हल करूंगा। दूसरा, पंजाब खेती प्रधान सूबा है, एग्रीकल्चर हमारी मेन इनकम है, सोर्स ऑफ लिविंग है। तो मैंने उनको कहा है कि जो ये 3 बिल का झगड़ा है इसको ख़त्म करो। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है और मुझे कहा है कि वो भी इसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं और इस दिशा में चल रहे हैं। किसानों से मैंने उनको डायलॉग शुरू करने की बात की है, जो पिछले समय से टूटा हुआ है, क्योंकि डायलॉग से ही बात हल होगी। पंजाब में कांग्रेस पीसीसी सभापति और मुख्यमंत्री को बदलवा पर वर्तमान राज्य प्रभारी को मध्य परिवर्तन करने को जाउछि। पंजाब में राजनीतिक कलह समय राहुल गांधी एवं पंजाब कांग्रेस नेता प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिबा राजस्थान कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब प्रभारी भाव नूतन दायित्व दिजापे। वर्तमान प्रभारी दायित्व थिबा हरीश रावत बदल में हरीश चौधरी को दायित्व दिजो बोली गणमाध्यम चर्चा जोर धरी। बहुत दिन पर देशर एक बड़ एयरलाइंस बिक्री होगा जाऊँच। दीर्घदिन क्षति में चलने पर यह बिकवा सरकार टेंडर कर टेंडर में टाटा सन्स जीति आज पुणी थे निज द्वारा प्रस्तुत करा एयर इंडिया को सरकार किणी टाटा ग्रुप। बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय पक्षर् एयर इंडिया बिक्री जो 2 नीलामधारी डाक देते तामधर सरकार टाटा ग्रुप को बाछिंट। एयर इंडिया इतिहास टाटा ग्रुप सहित जोड़ी हो 68 वर्ष तले अर्थात 1932 मसीह टाटा ग्रुप द्वारा एयर इंडिया आरंभ करा टाटा ग्रुप्र मुख्य जेआरडी टाटा यार फाउंडर थे सेतबेले एयर इंडिया ना टाटा एयर सर्विस रखा जाता है। 1938 सुधा कंपनी घर उड़ाण आरंभ कर द्वितीय विश्वयुद्ध पर यह सरकार निज हाथ को नहीं जाते। स्वाधीनता पर सरकार एयर इंडिया 49% अंशधन विनियोग कर। देशर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल विरोध में अपप्रचार एवं खूब महंगा पड़ा जाऊँच। कांग्रेस वरिष्ठ नेता तथा मध्यप्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मध्यप्रदेश समेत देशर विभिन्न भाग में तांको नामरे एतला दिया सहित विक्षोभ प्रदर्शन करप्रदेश ग्वालियर में पुणी विरोध में एतला देते सरस्वती शिशु मंदिर उत्तीर्ण होता किसी विद्यार्थी। कुआडे गले मुंबईर पूर्वतन पुलिस कमिशनर परमबीर सिंह यहाँ नहीं एवं सृष्टि होती चर्चा। बट्टी आदाय जनित विभिन्न मामलों अभियुक्त वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तथा मुंबईर पूर्वतन पुलिस कमिशनर परमबीर सिंह विरोध में महाराष्ट्र सरकार तरफ चली तदंत। यह अनेक दिन हो कौन पता मिलना तदंतकारी एजेन्सी खोजी चली परमबीर सिंह को से यह देश छाड़ कौन बाहर देश को पलायंती चर्चा हो। अक्टोबर 6 फेर दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जून आसा चलित वर्ष दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु राजस्थान आसंता 6 तारीख में प्रत्यावर्तन आरंभ कर। धीरे धीरे यह देशर अन्य जगह को संपर्क में भारतीय पापाग डी मृत्युंजय महापात्र सूचना देते।
ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଜାଭେଲିନ୍ ଖେଳାଳି ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବେ ଜଣେ ଷ୍ଟାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ 2020 ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ନିରଜଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ନିରଜଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଅନେକ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନିରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ 1000% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ନିରଜଙ୍କ ଫିସ୍ ଏବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫିସ୍ ସହ ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି। ନିରଜ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପୂର୍ବରୁ ନାଇକି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବ୍ରାଣ୍ଡ କେଟରେଡ୍ ଏକ୍ସ ନୋମିକ୍ ଏବଂ ମସଲ ଭିଲେଜ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପୂର୍ବରୁ ନିରଜଙ୍କ ଫିସ୍ 15-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଧୋନି ଓ କୋହଲିଙ୍କ ଫିସ୍ 1-5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏବେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କି ନିରଜଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଧୋନି ଓ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ରାଜଭବନ ନିକଟ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ 4ଟି ଦାବି ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ କୋଟିଆ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଭାବ ନଦୀ ଭଳି ଭାବେ ନଦୀ ଜଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ତୃତୀୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଉଦୟପୁର ଅନୁପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ହେଉ। ଓ ଚତୁର୍ଥରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ମାନ୍ୟତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ମରଣଯନ୍ତାରେ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସରକାରୀ ଭାଷା ହେବା ପାଇଁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶା ଦୀର୍ଘ 878 ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରଣୟନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ସୀମାନ୍ତକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଛତିଶଗଡ଼, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଏ 4ଟି ପ୍ରଦେଶର ସୀମା ଆମ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇଲେଣି। ସେପଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷା ଭାବେ ଥିଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେଣି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମା ଆମ ଭିତରୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର ନିଦରେ ଶୋଇ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପରିତାପର ବିଷୟ। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 477 ନୂଆ ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 200, କଟକରୁ 62 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 74 ଜଣ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସଂକ୍ରମିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁଣି 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ। ଆଜିର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8202ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 278 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ରହିଛି 199। ସରକାର ପାର୍ବଣ ବେଳେ ଭିଡ଼ ହେଲେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଅଧିକା ଭିଡ଼ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଅଧିକ ସମୟ ବାହାରେ ଏକାଠି ରହିଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିପାରେ, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାର୍ବଣରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ସଜାଗ ରହିବା ତାହେଲେ କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ସମାବାତିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀପ ମଲ୍ଲିକ। ବିଜେପି ଶାସନରେ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାହା ଦେଶବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମୋଦିଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି ତାହାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଯେଉଁ ହିରୋଇନ୍ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସୁଛି ତାହା ପଞ୍ଜାବ ଦେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅଛି, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଧଳା ଜହର, ରାଜଧାନୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଧଳା ଜହର କାରବାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜଧାନୀରୁ 74 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି, ଏହାସହ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମାଫିଆ ଷ୍ଟାର ପିଣ୍ଟୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାରରେ ଲଗାଇଥିଲା। ବସ୍ତିକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ବେଳେ ପିଣ୍ଟୁକୁ ଧରିଲା ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ। ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଖବର ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏବେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର।
ब्रेक पर स्वागत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्कल विश्वविद्यालय शाखार पुरतन कार्यकारिणी भंग कर नूतन कार्यकारिणी में सभापति भाव में संतोष नायक और साधारण संपादक भाव में श्रद्धांजलि प्रधान को निजुक्ति उभय विश्वविद्यालय छात्र छात्री असुविधा को यथासंभव समाधान करेंगे बोली आशावादी अच्छा यथा पिला हॉस्टल असुविधा छात्री नवास पाणीर असुविधार जपरी यथाशीघ्र समाधान हो पार से चेष्टा करें। राजधानी में भड़ारे रोकवा जड़े युवक को निस्तुक माड़ लक्ष्मीसगर उस्कार सिटी आक्रमण करना जड़े युवक को संघबद्ध भाव में आक्रमण करुवर भिड भाइराल होबार लगी आक्रमण शिकार होता युवक एवं कैपिटाल हस्पिटाल भर्ती अच्छा एने लक्ष्मीसगर थाना मामला रुजु हो। बीएमसी हॉस्पिटल परिसर में धारणा देले स्वास्थ्यकर्मी कोरोना महामारी समय रे स्वास्थ्यकर्मी माने काम करुथिले चुक्तिभित्तिक भाव में एमाने पाखापाखि पांच वर्ष रु अधिक दिन हेबो काम करुछन्ति। एबे टेंडर नुआ कंपनी पाखकु जिबारु 100 रु अधिक कर्मचारी को छटेई कर दिया जाइछि जहार प्रतिवाद रे स्वास्थ्यकर्मी माने धारणा देइछन्ति। नियमित कर्मचारी करबा और नियमित भाव में दरमा दाबी रे सेमाने धारणा देइछन्ति। जे बे टेंडर नउछन्ति से हमगु रखुछन्ति हम स्टाफ माने मो भौणी माने समस्ते किंतु 10 वर्ष पर भी जिते बेले से टेंडर चेंज होउछि आम मानक जे नउछि से रखुछि त आज काहे कि से माने हमको एक्सटेंशन दउनांदी आज काहे कि हम हो काम को दउनांदी 3 मास से टेंडर चेंज करछन्ती 3 मास लेखा एक्सटेंशन करउछन्ती नवंबर मासरु हमर दरमा बढ़िलानी हैला नवंबर मासरु हमर दरमा बढ़िलानी किंतु से माने हमको दरमा दउनांदी सब पर भी 3 मास कहउछन्ती 3 मास एक्सटेंशन हबो जून मास रे एक्सटेंशन सरला पुनी सेप्टेम्बर 30 पूर्व त हम कॉन्ट्रैक्टर को जणैबो जदि कंट्राक्टर को न जाने जा पुणी कालीडर हमको 8:00 12:00 बजलानी कोन पे हमको ड्यूटी के जकाहिनी सीएम कोन आर किछ प्रतिकार करबा नथि आमे माने आसिला पर्यंत काहे के गला हमर दाबी वर्तमान जेमिति आम भितरु 4 जन को एठी रखाय छी हमको भी सेमति स्थाई नियुक्ति दिया जा हैला हम समस्त को स्थाई नियुक्ति दिया जा। ओडिशा नागरिक महामंच भुवनेश्वर आंध्र अभिमुखे सीमा अभियान आरंभ होड़शार जमी नाम फलक आंध्र जबरदखल करुच्ची तार विरोध में आज नागरिक महामंच अंटा भिड़ी पूज्य पूजा कमिटर अनेक कर्मी कोटिया पहुंची सेठाकर ओडिया लोक एकत्रित करे प्रतिक्रिया रखिंट ओडिशा नागरिक महामंच कमिटी सदस्य प्रद्युम्न शतपथी सरकार को चेतईंटे ओडिशा टोपे हेले कि टीपे हेले जमी के पारे ना नागरिक महामंच आज जननेता तथा पूर्णांग उत्कल न्यास मंडल सभापति शीतल महापात्र नेतृत्व में आज सीमा अभियान करुच्ची जो सीमा आमर जहाँ दखल हो आंध्रमा सरकार चक्रांत कर दखल करवा और ओडिशा मटी ठिया समग्र ओडिशावासी को अपमानित करवा प्रतिदिन धारावाहिक भाव में आम सीमा उपर आसी आक्रमण और सीमार तर नाम फलक आमर ओडिया नाम फल को पारा तार प्रतिवाद सीमार बास्तव स्थित जनसाधारण निकट उपस्थापन करने प्रकृत समस्या से समस्या को उज्जीवित कर जनचेतना जागृत करने स्थानीय समस्त ओडिया भाषाभाषी मान एकत्रितकरण कर सीमार से ओडिशार जो अस्मिता बोध ताहा प्रतिपादित करने ओडिशा नागरिक महामंच अभियान आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह पालन अवसर में बीएमसी तरफ स्वच्छ ओडिशा सुस्थ ओडिशा कार्यक्रम अनुष्ठित भुवनेश्वर एस्प्लानेड मल रे एक कार्यक्रम आयोजित हो कार्यक्रम में आवर्जना को किपर पूर्ण कार्यक्रम करहब से विषय में विभिन्न एनजीओ कार्यकर्ता सचेतन कराइले जलर सुविनियोग परेश को परिष्कार रखा सह डेंगू रोग नाबापी स्वयं सहायक गोष्ठी महिला मैंने एक सचेतनता कार्यक्रम परेषण करते बीएमसी सफेई कर्मचारी द्वारा सहर को स्वच्छ और सुस्थ रखापी अभिनय अमृत महोत्सव पालन उपलक्षे सप्ताहव्यापी बीएमसी 67 वार्डस सबुठ प्रोग्राम विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करमर मुख्य आकर्षण रही पृथक पृथक महिला दिंतु समस्ते आम गाड़ी में महिला दिंतु एवं बाहर कौन सी जगह महिला को अपरिष्कार भाव पकड़ू ना बीएमसी प्रत्येक वार्ड मानक गाड़ी जा गाड़ी मानक जी महिला जार टाइम अनुसार आम स्लॉट कर देचु से एसएचजी मानक स्वच्छ साथी मान द्वारा यह जिनस कलेक्शन होमसीसी एमआरएफ वेल्थ कन्वर्ट कर
धौली थाना अधीन युवती एसिड माड़ घटना अभियुक्त युवक को गुजरात गिरफ्त कला धौली थाना पुलिस सूचना अनुजाई अगस्त 12 तारीख दिन जन युवती प्रेमिकों सह धौली बुलवाक जाता सेठार युवक युवती जोर जबरदस्त निज घर को नेबाक चेष्टा करिवारु युवती यहाँ विरोध करते युवक उत्त्यक्त हो युवती एसिड माड़ कर कलाहांडी नेहला गाँवें नगड़ार चित्र कलाहांडी जिला थुआमूल ब्लक्र दुर्गम नेहला गाँवें खाद्य अभाव गत 20 दिन मध्य चारिजण मृत्यु होता अभियोग कलाहांडी जिला थुआमूल रामपुर ब्लक अधीनस्थ काणीगुमा पंचायत नेहला गाँवें प्रथम ज्वर से आक्रांत होते यापर गत 9 तारिख दिन गाँवर 16 वर्षीय अमर सिंह मृत्यु घटा पर 15 तारिख में दिने जड़े 60 वर्षीय वृद्धा यार चारिदिन पर दुईज युवती मृत्यु घटा ज्वर होगा पूर्व खाद्य अभाव रक्तहीनतार शिकार हो लोक मृत्यु होता अभियोग खबर मिलला जे नेहला ग्राम रे चार जणकर मृत्यु हो जाइछि लास्ट गोटे मंथ भितरे सेति पय आमे कोन कारण हेतिबो डेथ रो बोलिकिना इंक्वायरी रे आसछु तो आज हमर टीम मलेरिया विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य परीक्षा करूछन्ति तापरे अन्य डॉक्टर सर भी आसीबे सब को टेक्निक भाव रे ये कला पर डिस्ट्रिक्ट रु भी गोटे टीम आसीछन्ति कटक स्थित बोर्ड बोर्ड कार्यालय आगे गर्जिले ओएसएसटीईटी परीक्षार्थी शिक्षक एलजीबीएलटी परीक्षा प्रश्नपत्र व्यापक त्रुटि नहीं बोर्ड कर्तृपक्ष और शिक्षामंत्री को भेटते सुधा एपर्त छात्र छात्री को सुफल मिलनी जहाक नहीं भविष्य अंधकार मुहां बोली स्पष्ट कर आंदोलनरत छात्र छात्री तेज आगामी दिन में पुणी सिलेबस अनुजाई छात्र छात्री आउ थे परीक्षा देवाक सुजोग दि जाऊ जदि कौन भी दक्ष छात्र छात्री शिक्षक पदवी वंचित हूँ से माध्यमिक शिक्षा परिषद दायी रही नहीं स्पष्ट कर छात्र छात्री आमे कहौचो कि आमको एबे जेहेतु कॉन्ट्रैक्चुअल बाहरी छि आमको आ गोटे सुजोग दिया जाउ नहले मासे भीतर आ गोटे ओएसटीटी कंडक्ट करा जाउ आमे एग्जाम दबा को राजी अछु से माने सिलेबस अनुजाही एक एग्जाम रे प्रश्न पकारंतो आमे एटा अनिर्दिष्ट काल पे एटी धारणा दबु ओडिशा सूचना अधिकार अभियान पक्ष आज आरंभ हो सचेतनता कार्यक्रम राज्यव्यापी चलवाक अभियान में दुर्नीति विरोध में लोकों सचेतन कटक सदर ब्लक कार्यालय सम्मुखें कटक जिला संयोजक जितेन्द्र साहू के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजन कर दुर्नीति संपर्क में जनसाधारण केमी जापर से नहीं पंपलेट बंटा जावास नूतन कर अभियान में सामिल होगा लोकों आह्वान दि जा एवं लोक जो जापार ना सूचना अधिकार आईन जटिल भावुं से आम सरलीकरण करने ओडिया फर्म सब जिनस आम बुझाऊ तेणुक आम सूचना अधिकार आईन कि व्यापक मात्रा व्यवहार हो से नहीं आम सूचना अधिकार अभियान वर्तमान कार्यक्रम जारी रही धनेश्वर रथ फाउंडेशन तरफ पूज्य पूजा समारोह 2021 ड्रीम्स परिसर में जयश्री ऑडिटोरियम अनुष्ठित हो जाएगी धनेश्वर रथों प्रयास प्रयासरे सप्तविंशतम वार्षिक अवसर में अनुष्ठित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परम पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती पद्मश्री उत्सव चरण दास प्रमुख जोगद शारदीय दुर्गापूजा लगी चलचंचल विभिन्न शक्तिपीठ आरंभ हो शरतकालीन षोडश उपचार पूजा अधिष्ठात्री देवी माँ कटक चंडी आज हो तृतीय क्षमा करेंगे द्वितीय दिन बेश द्वितीय दिन में माँ उग्रतारा बेश भक्त को दर्शन देखते कोरोना कटका भितर एसओपी अनुसार मंदिर को भक्त जाई माँ का दर्शन करुँचा सका द्वार पूजा सूर्य पूजा पर राति नीति अनुसार पूजार्चना और माँ का बेश कर घर नहीं लगाण वर्षार मटी में मिशिला घर मयूरभंज जिला सारसकणा ब्लक अंतर्गत जालदा ग्राम पंचायत बण बुडामरा गाँव में 70 वर्षीय सीताराम नायकों मुंड नाई छात पत्नी सुदेवी नायक और झील विचित्रा नायकों नहीं छोट पर तेज चलित बर्ष लगाण वर्षार घर की संपूर्ण भाव में नष्ट एपरिक सीताराम को पलिथिन टीए भी मिलनी आगक वर्षा आसुवर सीताराम मुंड क्योंटी गुंजे ताकूब चिंतार पड़ते बरगढ़ टाउन थाना हजत मृत्यु मामला बरगढ़ में एचआरपीसी दुईजिया तदंतकारी टीम बरगढ़ टाउन थाना आईआईसी और एसपी एने आलोचना करते जड़े आडिशनाल एसपी और डीएसपी रैंक अधिकारी एक टीम अच्छा आडिशनाल एसपी श्रीकांत महापात्र और डीएसपी विद्युत पंडा तदंतर सामिल होती सरी पिपिली उपनिर्वाचन भोट ग्रहण पूरी पेटकटा
ୱେୟାର ହାଉସରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଇଭିଏମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ କାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତିନି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ଓ ତୃତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ ସହ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ରହିବେ। ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯବାନ ଆର୍ ଅଫିସର୍ସ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ମିଡ଼ଲ କର୍ଡନ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍ମଡ଼୍ ପୁଲିସ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଅଛି। ଅର୍ ଯେଉଁ ଆଉଟର୍ କର୍ଡନ୍ ଯେଉଁ ରଖା ହେଇଛି, ସେଠି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁଲିସ୍ର APR ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ତାଙ୍କର ଅଫିସର୍ ଦିଆହେଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାହେଇଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାର ଆମେ ନୋଟ୍ କରୁଛୁ। ଅର୍ ଓନ୍ଲି ଅଥରାଇଜ୍ଡ ପର୍ସନ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରାଙ୍କ୍ ଅଫିସର୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁପରଭିଜନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୍ ସିଫ୍ଟ ରୋଟେଟ୍ରେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ 5 ଅଲଗା ଅଫିସର ଆମେ ଦେଉଛୁ, SI ରାଙ୍କ୍, ଯେଉଁମାନେ ସିଫ୍ଟରେ ସେଠି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରେଡ଼ାଖୋଲ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରେଡ଼ାଖୋଲରେ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରେଡ଼ାଖୋଲରେ ପହଞ୍ଚି ସନ୍ତ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଥାନିଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ 5.50 meters ଥିବାବେଳେ ଅପରାହ୍ନ 2 ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 5.97 meters ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ଜଳକା ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଳିଆପଦା, ମରୋଡ଼ା, ଚିତ୍ରତା, ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବଢ଼ୁଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବସ୍ତା ଏବଂ ସଦର ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 12 ପଞ୍ଚାୟତର 50 ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।